मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में दो आदिवासियों की हत्या और एक व्यक्ति की गंभीर रूप से घायल करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। बड़वानी कलेक्टर कार्यालय जाकर जागृत आदिवासी दलित संगठन जय एवं अन्य संगठन ने संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा। जागृत आदिवासी दलित एवं अन्य संगठन ने मांग की है कि सिवनी के मामले में सरकार दोषियों पर कठोर कार्रवाई करे, घटना की न्यायिक जांच कर दोषियों को फांसी और मृतकों के परिजनों को मुआवजा व घायलों को भी मुआवजे की मांग की है। असामाजिक तत्व व आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई है। बड़ी संख्या में सभी संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए थे ज्ञापन देने। जैसे ज्ञात होगा कि 2 तारीख की रात में घटना सिवनी जिले में जो हुई और उसमें हमारे आदिवासियों के साथ निर्मम मारपीट हुई और उसमें मारपीट से 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति आज जीवन से अस्पताल में संघर्ष कर रहा, और जो मृतक था एक उसकी पत्नी के साथ भी जो जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ है उसके साथ उनके कपड़े तक फाड़ दिए, और ऐसी घटना है पूरे प्रदेश में आदिवासी साथ होती आ रही है। आपने देखा होगा नेमारों की घटना हो, नीमच की घटना हो, अपने खरगोन जिले की घटना हो और गुना जिले की घटना हो, आए दिन हम प्रदेश में देखते हैं कि आदिवासियों के साथ घोर अत्याचार और आदिवासियों को शोषण और दमनकारी नीतियां सरकार की चलती आ रही है। आज हमारे बड़वानी में विडंबना हुई कि हमारा बड़वानी जो जिला है ये 76% आदिवासी यहाँ जिले में निवास करते हैं। हमारा मंत्री आदिवासी है, हमारे 2 सांसद है वो भी आदिवासी है, और ये पूरा क्षेत्र आदिवासी है। उसके बावजूद हम 1 बजे से ज्ञापन के लिए आए, मात्र हम ज्ञापन देके चले जाते हैं कि भाई जो सिवनी जिले में घटना हुई उसके खिलाफ उनके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करो, क्योंकि आप जान रहे हो कि सरकार तो लगता नहीं कि कोई कार्रवाई करेगी। देश का अपने प्रदेश का गृह मंत्री और फग्गन सिंह कुलस्ते वो तो पहले ही बजरंग दल को क्लीन चिट दे चुके, जबकि थाना प्रभारी कह रहा है कि घटना में बजरंग दल के और श्रीराम सेना के लोग संलिप्त। हरसिंह जमरे, जागृत आदिवासी दलित संगठन। आज हम बड़वानी जिले में इसलिए आए कि लगातार भाजपा की सरकार आई, जब से धर्म के नाम से राजनीति करती, गाय के नाम से राजनीति करती, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करना, मनावर की घटना, नीमच की घटना, नेमावर की घटना, सिवनी जिले में 2 व्यक्ति को मर्डर किया, इन हत्यारों को तत्काल फांसी दिया जाए, इनको घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए करके हमने खरगोन, ब्राह्मणपुर, बड़वानी में हम एक ही दिन ज्ञापन दे रहे। मैं सांसद महोदय से पूछना चाहता हूँ कि सांसद महोदय, आप हमारे बच्चों को युवा पीढ़ी क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम सब हथियार उठा ले, हम हत्यारे बन जाए, हम एक दूसरे को काट के मार के फेंक दे, हम इस प्रकार से हो जाए। एक सांसद का बयान पूरी मीडिया में सर्कुलेट हुआ, लेकिन कोई पुलिस अधिकारी, शिवराज मामा, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री किसी के कानों में जू तक नहीं रहेगी कि हमारा सांसद, जनता का चुना हुआ सांसद बयान, उसकी जुबान इतनी किस्म की बोल रहा है शस्त्र उठा लो। RPTV न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए, और साथ ही RPTV की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।